हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ पर हर मोड़ पर कोई ना कोई देवी देवता वास करते हैं और साथ ही यहाँ की हसीन वादियाँ वो भी पर्यटकों को भी काफ़ी आकर्षित करती हैं। तो मैं बता दूं कि आज हम हैं मंडी से कुछ ही किलोमीटर दूर और यहाँ से पूरे मंडी शहर का नज़ारा भी दिखता है, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो हम हैं ढांगसी धार में और यहाँ पर है महिषासुर मर्दिनी माता का मंदिर और काफ़ी हाइट पे है और बहुत ही अच्छी सीनरी भी है यहाँ पे। और साथ ही जो मंदिर है, मंदिर परिसर में काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे और मंदिर बनाए गए हैं, भगवान शिव का हो, राधा कृष्ण का हो, या फिर शनिदेव का हो, हनुमान जी का है, माता के काफ़ी नौ रूप यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं, मूर्तियाँ वहाँ उनकी बनाई गई हैं। तो इस रिपोर्ट में हम थोड़ा सा माता के मंदिर के इतिहास के ऊपर भी नज़र डालेंगे और पुजारी जी से भी बात करेंगे और साथ ही जो मंदिर निर्माण है वो कब हुआ यह जानने की भी कोशिश करेंगे इस रिपोर्ट में। तो आप बने रहिए सिर्फ पोल स्टार टीवी के साथ। तो अभी हमारे साथ हैं तुलसी दत्त जी, जो इस मंदिर के जो है पुजारी हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं मंदिर के इतिहास के बारे में। यहाँ भगवती माता से वैसे तो हमारे बुजुर्गों ने बताया भी कि सदियों से ये मंदिर है, लेकिन सही समय का इसका पता नहीं चला। तो भगवती माता को जब हमने पूछा इसके बारे में, जब मंदिर कमेटी बैठी तो हमने भगवती माता को पूछा, तो भगवती माता ने कहा कि जब ये व्यास नदी यहाँ ढांगसी धार से होकर के बहती थी तो उस वक्त भी मेरा मंदिर यहाँ था और आप लोग मेरी पूजा करते थे, उस ज़माने में भी आप मेरे पुजारी थे, व्यास नदी के जल से मेरा स्नान कराते थे। उसके बाद हमारे पूर्वजों ने कहा भाई, 12वीं शताब्दी में राजा कल्याण सेन ने जब पुरानी मंडी को बसाया था तो उन्होंने भी यहाँ इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था भाई, जो पुराना मंदिर था उसका जीर्णोद्धार की कराया था उन्होंने। और वो फिर वो पुराना मंदिर यहाँ दो सिद्ध मुनि आए, सिद्ध चुन्नी मुनि, उन्होंने जहरवीर गुगा का मंदिर बनवाया यहाँ। वो उस वक्त राजा साहिब सैन थे, साहिब सैन के माध्यम से उन्होंने यहाँ दो मंदिर बनवाए थे, जहरवीर गुगा और हनुमान का मंदिर। और तीन मंदिर हो गए, भगवती माता का, जहरवीर गुगा का और हनुमान का मंदिर। फिर उसके पुजारी राजा साहिब सैन ने जो यहाँ के जो पुरानी मंडी वासिनी के जो निवासी हैं उनको पुजारी नियुक्त किया था। तो वो पुराने मंदिर जो है फिर 1905 के भूकंप में गिर गए थे, खंडित हो गए थे वो। लेकिन हमारे पूर्वजों ने उन पुराने मंदिरों में जो मूर्तियां खंडित हुई थी उनको इकट्ठा करके कच्चे थड़े बना करके उनके ऊपर उनकी पूजा करते रहे। और 1972 को हम लोगों ने कच्चे गारे पत्थर और स्लेट से छोटे छोटे मंदिर बनवाए उन देवी देवताओं के लिए। फिर 1977 को हमने वो जो पुरानी खंडित मूर्तियां थी उनके आधार पर नई मूर्तियां बनवाई और यहाँ फिर दोबारा हमने मंदिरों का जो पुराने कच्चे मंदिर थे उनकी जगह पक्के मंदिर बनाए, ये 1977-78 में बनाया हमने। तो दर्शकों, माँ महिषासुर का जो मंदिर है यहाँ पर बहुत ही शांत वातावरण है और साथ ही यहाँ पर विभिन्न मंदिर भी बनाए गए हैं, शनि देवता का हो, हनुमान का हो, माता का हो और बहुत से मंदिर हमें देखने को मिले। और इस वक्त जिस मंदिर के बाहर हम खड़े हैं, देव मोहरीगण ब्रह्मा, मैं बता दूँ पुजारी जी ने हमसे बातचीत की थी और उन्होंने कहा था कि 1905 में जब भूकंप आया था तो जो मूर्तियाँ थी वो खंडित हो गई थी। तो आप देख सकते हैं कि ये वो अवशेष हैं जो उस वक्त जो मूर्तियां खंडित हो गई थी उसके बचे हुए थे और अभी भी यहां पर इनको रखा गया है दर्शनों के लिए। जितने भी भक्तजन आते हैं यहां दर्शन जरूर करते हैं, तो आप देख सकते हैं और दर्शन भी कर सकते हैं साथ ही। यहां के लोकल यही सारे हैं, नौजवान लड़के हैं,
पुरुष हैं महिलाएं हैं वो सेवा करते रहते हैं अपनी श्रद्धा से। यहाँ किसी को कोई वेतन वगैरह नहीं दिया जाता है, सब अपनी श्रद्धा से सेवा करते हैं। पुजारी है चाहे गुरु है चाहे कोई भी है, कोई भी यहाँ कोई किसी को वेतन नहीं मिलता है। जो भी चढ़ावा होता है वो इसी मंदिर के ऊपर खर्चा कर दिया जाता है। यहाँ पर साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा गया और साथ ही यहाँ पर जो है वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए बहुत ही हरे भरे पेड़ पौधे लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर देवदार के पौधे जो हैं लगाए गए हैं और इसके अलावा और भी कई पौधे हैं जो लगाए गए हैं। अभी छोटे पौधे भी हैं, प्लांटेशन मुझे लगता है हाल ही में हुई होगी इनकी। तो काफ़ी अच्छा प्रयास मंदिर कमेटी द्वारा किया जाता है और अच्छा भी है क्योंकि इतने अच्छे हमें जब हरा भरा एनवायरनमेंट मिलता है तो कहीं ना कहीं शांति भी मन को मिलती है। तो भगवती माता के यहाँ का मान्यता की बात है तो मान्यता ये यहाँ ऐसी है, अभी भगवती माता पुराने ज़माने से यहाँ, जैसे कि पहले मैंने बताया भाई जब व्यास नदी यहाँ से इस स्थान से होकर के बहती थी तो उस वक्त भी माता का मंदिर था यहाँ और उस वक्त भी इसका महत्व था। तो उस ज़माने से लेकर के आज तक लोग यहाँ आते जाते रहते हैं, लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है, हर इच्छा पूरी होती है लोगों की, उनकी जो समस्याएं हैं तो उनका समाधान होता है। लोग आते हैं महीने के दो बार यहाँ माता का दरबार लगता है तो दोनों दरबारों में लोगों की समस्याओं का समाधान माता करती है। वो महीने के दो दिन कौन से रहते हैं? महीने के दो दिन है हमारे, जैसे कि हमारे देसी महीने के अनुसार जो पहला रविवार होता है उसको दरबार लगता है और तीसरा रविवार जो होता है देसी महीने के अनुसार उसमें दरबार लगता है, और जो देसी महीने का दूसरा रविवार होता है उसमें कार सेवा की जाती है। उसमें सारे भक्त लोग इकट्ठे होते हैं, पुरुष महिलाएं युवक वगैरह सब इकट्ठे होते हैं और कार सेवा करते हैं। यहाँ जितना भी कोई भी काम साफ सफाई है या कोई भी काम है वो उस दिन करते हैं हम। जैसे कोई श्रद्धालु माता को बुलाते हैं तो माता जाती है घर उनके, और जैसे मेले लगते हैं तो वहाँ भी जाते हैं? मेले में माता नहीं जाती है हमारा, क्योंकि यहाँ जो माता का रथ है वो हमारा अपना पुराने ढंग का है। तो यहाँ के जो लोकल श्रद्धालु हैं जो जैसे किसी के घर में जाना है तो बुलाते हैं कोई अपने घर में तो वहाँ तो माता जाती है, लेकिन मेले में नहीं जाती है। तो अभी आप काफ़ी मुझे लगता है कि जैसे मंदिर के परिसर में बहुत ही अच्छा आपने एक तो बगीचा लगा रहे हैं और क्या क्या विकास कार्य आप आगे करवा रहे हैं मंदिर में? अभी तो इतना तो हमने जो कुछ भी किया यही इसकी रक्षा हो जाए तो यही बहुत है, लेकिन अगर भविष्य में माता जो कहेगी, भगवती माता जो कहेगी वही काम करेंगे हम, अपने मर्जी से कोई भी काम नहीं करेंगे। आज तक हमने जितना भी काम किया वो भगवती माता के आदेश के अनुसार ही किया, अपनी मर्जी से कोई काम नहीं किया। तो आगे भी भगवती माता अगर कोई काम बताएगी तो हम करेंगे। जो नवरात्रे चलते हैं माता के 9 दिन, तो उस दौरान क्या कैसा रश रहता है, क्या खास रहता है नवरात्रों के दौरान? नवरात्रों में हम पुरोहित लोगों को दुर्गा सप्तशती का पाठ कराने के लिए बिठाते हैं और हमारी मंदिर कमेटी में से एक आदमी नियुक्त किया जाता है यजमान के रूप में, और दूसरे जो मंदिर कमेटी के लोग होते हैं वो सेवा करते हैं। नवरात्रों में बड़ा भारी काम होता है यहाँ, और भंडारे पूरे 8-9 दिन भंडारे चलते रहते हैं यहाँ। यहाँ एक देव मौरीगण ब्रह्मा जी को भी बुलाते हैं, क्योंकि हर बार बुलाते हैं, जब भी नवरात्र होते हैं तो एक दिन उनको बुलाया जाता है मेहमान के रूप में, और वो मेहमान के रूप में यहाँ आते हैं। और जब हमारा यहाँ बड़ा भंडारा होता है उसके अगले दिन उस देवता को भी हम दाम देते हैं, अलग से दाम देते हैं। वो भी यही मंदिर में होगी? हाँ यही होगी, वो यहाँ मंदिर में ठहरते हैं। शिवरात्रि के मेलों में जितने मेले होते हैं उन मेलों में वो देवता यहीं ठहरता है, इसी मंदिर में ठहरता है। और देवी देवता भी आते हैं यहाँ पे? और नहीं कोई आते, वो देव श्री मौरीगण ब्रह्मा वो वहाँ कटौड़ा के हैं, वही आते हैं। तो
दर्शकों, अभी आप दर्शन कर रहे हैं भगवान शनि देव के। और मैं आपको बता दूं कि महिषासुर मर्दिनी मंदिर में जो है वो कई तरह के मंदिर बनाए गए हैं छोटे छोटे, और जो श्रद्धालु हैं वो पूरे दर्शन यहाँ पे कर सकते हैं। माँ के नौ रूपों के यहाँ पर जो है वो मूर्तियाँ बनाई गई हैं। साथ ही शनि देव आपने देखा, राधा कृष्ण है यहाँ पे, और भगवान शिव की मूर्ति है, और बहुत ज़्यादा बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है मंदिर, और भक्तजनों को एक ही मंदिर में सारे दर्शन जो है यहाँ पर हो सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ आना है तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पहुँचने के लिए आपको दो तीन रास्ते हैं। एक तो आप पुरानी मंडी से भी आपको लिंक रोड मिल जाएगा, वहाँ से भी ऊपर को रास्ता है और यही मिलता है मंदिर में। और दूसरा आप विक्टोरिया पुल तक आएँ, और वहाँ से थोड़ा आगे की तरफ आप NH जोगिंदर नगर पठानकोट रोड पर आगे जाएंगे, वहाँ पर शनिदेव का मंदिर है, और वहाँ से ऊपर को होते हुए आप कमांड वाले रोड पे आ जाइए, और वहाँ से सीधे आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी और मंदिर में आप पहुँच जाएंगे। रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे जंगल भी हैं, मैंने आपको दिखाया, और काफ़ी अच्छा वातावरण है। और इसके अलावा अगर आप गाड़ी में आना चाहते हैं तो कमांड वाले रोड पे आप जाइए, वहाँ से थोड़ा सा आगे आपको जाना पड़ेगा शनि मंदिर से, और वहाँ से लिंक रोड जाता है और वो भी आपको डायरेक्ट मंदिर परिसर में पहुँचा देगा। तो हमने आपको रास्ते भी बता दिए कि कहाँ कहाँ से आप आ सकते हैं। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कहाँ से आना है और कैसे आपको मंदिर पहुँचना है। हे महाकाल महाशक्ति, हमें दे दे ऐसी भक्ति, हे जग जननी महामाया, है तू ही धूप और छाया, तू अमर अजर अविनाशी, तू अनमित पूर्णमासी, सब करके दूर अंधेरे, हमें बख्शो नए सवेरे। तो इस वक्त हम हैं ढंगसी धार, मंडी से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर है भगवती महिषासुर मर्दिनी के मंदिर परिसर में, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से मंडी शहर का पूरा नज़ारा आप ले सकते हैं। हिमाचल की हसीन वादियाँ हैं यहाँ पे, धार्मिक दृष्टि के साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से भी हिमाचल काफ़ी आगे है, और काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, और यहाँ पर भी हम आए आज, और हमारी पूरी टीम ने काफ़ी जो है वो मंदिर के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश की, और साथ ही आपको बताने की भी कोशिश की। और अगर आप आना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आइए, और काफ़ी यहाँ पर जैसा कि मैंने बोला कि धार्मिक दृष्टि के साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से भी भगवती महिषासुर मर्दिनी का मंदिर जो है वो काफ़ी जाना जाता है। तो आप भी कभी अपनी फैमिली के साथ आइए और इंजॉय भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। मौनिका ठाकुर को दीजिए इजाज़त, नमस्कार। तू तो भक्तों की बिगड़ी संवारती।